आकाशीय बिजली गिरने से चाचा भतीजे की मौत, मछली पकड़ने गए थे दोनों। तीन घटनाओं में दो मौत के अलावा 8 साल का बच्चा और महिला झुलसे। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से तीन अलग अलग घटनाओं में चाचा भतीजा की मौत हो गई, वहीं महिला और 8 साल का बच्चा झुलस गए हैं। मरने वालों में 14 साल का बच्चा भी शामिल है, वह अपने चाचा के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था। महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत गंभीर है। हादसा बांगो बाकी मोगरा और सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। बाकी मोगरा क्षेत्र के भद्रापारा निवासी राम सिंह धनवार अपने 14 साल के भतीजे गुरदेवा निवासी बैसाखू के साथ छठ घाट पर मछली पकड़ने गया था। दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश होने लगी। इससे पहले कि दोनों वहां से लौटते, आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर बांगो क्षेत्र के लमना में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 साल का देवसाय घायल हो गया। वह अपने पिता के साथ घर की बाड़ी में ही बकरी चरा रहा था। बिजली गिरने से बच्चे का शरीर और चेहरा झुलस गया। सूचना मिलने पर 112 की टीम गांव के आसपास मौजूद हाथियों के झुंड को पार कर पहुंची और बेहोश बच्चे को उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। वहीं शहर के डीडीएम रोड पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तुलसी नगर निवासी राधाबाई गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। डीडीएम स्कूल में क्या चल रही से? बिजली गिरी से? झटका लगी से? मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।